नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्यों तुर्की का TFX पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू कार्यक्रम भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। दोस्तों, तुर्की ने अपने आधुनिक सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। तुर्की के मूल सैन्य स्टेल्थ विमान नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट TIE TFX ने टैक्सी ट्रायल शुरू कर दिया है। TFX जो अपने स्वयं के इंजनों के साथ ट्रैक पर लाया गया था, यह सूचना दोस्तों BulgariaMilitary.com वेबसाइट से दी गई है। तुर्की राज्य द्वारा संचालित रक्षा उद्योग एजेंसी के प्रमुख इस्माइल डेमिर ने ट्वीट किया है कि हमने कहा है कि 18 मार्च को अपने राष्ट्रीय लड़ाकू विमान को हैंगर से बाहर निकालेंगे और हमारा विमान आज रनवे पर है। हमने जो कहा था वो करके दिखाया। दोस्तों, TFX प्रोजेक्ट को 2010 में शुरू किया गया था और यह टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TIE द्वारा चलाया गया था। कंपनी का दावा है कि जेट पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसमें स्टिल्थ एसर रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, IRST सिस्टम आदि जैसे एडवांस फीचर हैं। टैक्सी ट्रायल का पूरा होना कार्यक्रम का एक प्रमुख मील का पत्थर है। TIE ने विकास प्रक्रिया को पूरा करने और 2030 तक जेट को तुर्की बलों में शामिल करने की योजना बनाई है। विभिन्न सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार समय सीमा इस तथ्य पर विचार करते हुए बहुत महत्वाकांक्षी है कि तुर्की ने कभी भी मानवयुक्त लड़ाकू जेट नहीं उड़ाया है। अकेले पांचवीं पीढ़ी के जेट को छोड़ दें, जिसमें रूस और चीन को महारत हासिल करने में भी परेशानी आई है। मतलब दोस्तों, चीन और रूस को भी अभी तक पूर्ण रूप से पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट नहीं बना पाए हैं और तुर्की ने पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट बना लिया है। इससे पहले अभी तक तुर्की ने कोई भी जेट नहीं उड़ाया। अब तक TIE ने केवल हूर जेट के एक प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, एक सुपरसोनिक फाइटर ट्रेनर, जिसका टैक्सी ट्रायल एक दिन बाद मतलब 18 मार्च को पूरा हुआ था। TFX ने टैक्सी ट्रायल का पहला सेट 17 मार्च को किया था। हालांकि भारतीय ट्विटर पर कुछ ऑब्जर्वर ने भारत की पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MCA की तुलना करना शुरू कर दिया है, जिसे TFX के समान समय सीमा 2009 के आसपास शुरू किया गया था। दोस्तों, ऑब्जर्वर MCA कार्यक्रम के विकास की धीमी गति के बारे में शिकायत करते हैं, जिसके लिए उनका दावा है कि एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी धन जारी नहीं किया है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले कई दशकों में तुर्की को पश्चिमी टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से भारी लाभ हुआ है, जो भारत के लिए जरूरी नहीं था। F-16 की सीरीज का हिस्सा तुर्की ने अपने स्वयं के F-16 ऑर्डर का 75% तक का निर्माण किया, जिसमें इसे एक प्रभावशाली एरोस्पेस टेक्नोलॉजी आधार बनाने की अनुमति मिली। दोस्तों, F-35 स्टिल्थ फाइटर प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी भागीदार भी था, जहां इसे F-35 पांचवी पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर जेट के लगभग 900 कंपोनेंट का निर्माण करना था, इससे पहले कि इसे रूसी S-400 खरीदने कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। वरना दोस्तों, ये अमेरिका के F-35 फाइटर जेट लेता और दोस्तों उसके 900 कंपोनेंट ये घर में ही बनाता। उससे पहले दोस्तों, इसने F-16 के फाइटर जेट के 75% कंपोनेंट घरेलू ही बनाए और उसको इसने घरेलू ही बनाया, तो उससे इसको वो ताकत मिल गई। दोस्तों, ये सारी टेक्नोलॉजी इसको अमेरिका से ही मिली है। दोस्तों, इसने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल खरीदी S-400 और इसको F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। इन कार्यक्रमों में उनकी भागीदार ने तुर्की को एडवांस तकनीक और विनिर्माण अनुभव प्राप्त करने में मदद की और एक टेक्नोलॉजी आधार के विकास में मदद की, जिसने अंकारा के लिए चीज़ों को गति दी। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये अमेरिका फर्स्ट में तो F-16 फाइटर जेट का 75% निर्माण किया, उससे उसको टेक्नोलॉजी मिल गई, फिर F-35 के कुछ कंपोनेंट बनाने लगा और उसके बाद ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी इंजन वगैरह पश्चिमी देशों से मंगाने लगा, तो इससे धीरे धीरे इसको टेक्नोलॉजी प्राप्त होती रही। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 के मौके पर DRDO के प्रमुख ने दावा किया है कि अमेरिकी GEF-414 इंजन के साथ MCA चरण 1 7 साल बाद ही अपनी पहली उड़ान भरेगा और इसमें शामिल होने के लिए 3 साल और लग सकते हैं। समय रेखा को 2032 तक बढ़ाया जा सकता है और ये 2033 तक हो सकता है। एरो इंडिया 2023 में हालांकि MCA के विभिन्न महत्वपूर्ण सब कंपोनेंट को प्रदर्शित किया गया था, जैसे इसके आंतरिक हथियार बे, संचार के लिए अनुरूप एंटेना और राडार के साथ साथ एक्चुएटर और अन्य यांत्रिक कंपोनेंट। ये कंपोनेंट इस बात का संकेत है कि कार्यक्रम जोरों पर है। विदेशों पर निर्भरता कम करने के प्रयास में जितना संभव हो उतने कंपोनेंट और सब सिस्टम का स्वदेशीकरण करके भारत भी तुर्की की तुलना में एक अलग दर्शन का पालन कर रहा है। दूसरी ओर, तुर्की हर कंपोनेंट का स्वदेशीकरण नहीं कर रहा है, वे US और यूरोपीय बाजारों से सब सिस्टम और कंपोनेंट की सोर्सिंग कर रहा है। मतलब दोस्तों, भारत तो मेक इन इंडिया के तहत इन कंपोनेंट को भारत में ही बना रहा है, पर तुर्की ऐसा नहीं कर रहा है। तुर्की डायरेक्ट कंपोनेंट को खरीद रहा है पश्चिमी देशों से और अमेरिका से। दोस्तों, यह रणनीति उन्हें विकास की समय सीमा को भी तेज करने में मदद करती है। कई विशेषज्ञों को डर है कि सफल तुर्की बायकटार TB2 मानव
रहित लड़ाकू हवाई वाहन यूसीएवी कार्यक्रम की तरह तुर्की मानव युक्त लड़ाकू जेट कार्यक्रम भी भारत के लड़ाकू जेट कार्यक्रम को पीछे छोड़ सकता है, भले ही भारत ने 20 से अधिक वर्षों की शुरुआत की थी। भारत के पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट तेजस की पहली उड़ान 2001 में हुई थी, लेकिन तरियासी जेट का पहला बेड़े पैमाने का उत्पादन ऑर्डर केवल 2021 की शुरुआत में दिया गया था, जिसकी पहली डिलीवरी 2024 में हुई थी। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने केवल 40 तेजस MK-1A जेट की सीमित पैमाने का उत्पादन का ऑर्डर दिया था। तुर्की विमानन उद्योग 3 वर्षों की अवधि में 3 अलग अलग स्टिल्थ कार्यक्रमों के प्रोटोटाइप के साथ आया है, जिसमें एक अन्य फ्लाइंग विंग स्टिल्थ ड्रोन प्रोग्राम है जिसे Anka-3 कहा जाता है, जिसने कल को कवर तोड़ दिया था, जबकि DRDO का HL प्रोग्राम ऑब्जर्वर का कहना है कि धन भी नहीं मिलता है और लगभग हमारे 5 से 10 साल की देरी होती है। अभी भी 4 महीने पहले दिसंबर 2022 को एक और तुर्की जेट संचालित ड्रोन किलजिल लेमा ने भी अपनी पहली उड़ान भरी थी, जो दोस्तों मानव युक्त नहीं था, वो अनमैन एरियल व्हीकल था। दोस्तों ऑब्जर्वर स्वदेशी हाई थ्रस्ट जेट इंजन कार्यक्रम की धीमी गति के बारे में भी विलाप करते हैं, जिसे भारत की विदेशी इंजन निर्माता के साथ विकसित करेगा, जिसके लिए एक फ्रेंच सापरान, ब्रिटिश रोल्स रॉयस और अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक GE मैदान में है। तुर्की अपना जेट इंजन भी विकसित करने पर काम कर रहा है और तुर्की ने पहले ब्रिटिश इंजन निर्माता रोल्स रॉयस के साथ गठजोड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन रोल्स रॉयस द्वारा तुर्की के साथ बौद्धिक संपदा साझा करने से पीछे हटने के बाद कार्यक्रम विफल हो गया। जबकि तुर्की के विमानन उद्योग ने लड़ाकू जेट और ड्रोन के विकास में प्रभावशाली प्रगति की है। क्षेत्र में उनके पूर्व अनुभव की कमी उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना की सफलता के लिए चुनौती बन सकती है। दुनिया के किसी भी देश ने इससे पहले एक बार सही नहीं पाया है। एक सफल फाइटर जेट प्रोग्राम बनाने में दशकों के शोध और प्रयास लगते हैं, फिर भी ड्रोन और लड़ाकू कार्यक्रम में तुर्की की सफलता भारत के लिए एक वेकअप कॉल है, विशेष रूप से सशस्त्र बलों में निर्णय लेने वालों के लिए जो कम से कम अतीत में स्वदेशी कार्यक्रम के लिए उत्सुक नहीं थे, बल्कि इसके बजाय विदेशी आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहते थे। दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी सरकार ने बहुत ही जल्दी फैसला लिया है और बहुत जल्द धन उपलब्ध कराया है और बहुत स्पीड से काम करवाया है, लेकिन दोस्तों और भी ज़्यादा गति से काम करने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द धन उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है हमारे DRDO को, ताकि वो जल्द से जल्द इस प्रकार के M का प्रोग्राम को कर सके। दोस्तों घातक UCAV की तरह बहुत छोटा बना रहा है, जिस प्रकार हम पहले स्विफ्ट बना रहे हैं उस तरह का ड्रोन पर तुर्की भी काम कर रहा है, और उसने दोस्तों अभी कल ही उसको मीडिया में लाया गया था और उसका भी टैक्सी ट्रायल शुरू कर रहा है। और दोस्तों एक अनमैन एयरक्राफ्ट पर भी तुर्की काम कर रहा है, वो भी स्टिल्थ है, और उस फाइटर जेट की भी टैक्सी ट्रायल शुरू कर दी है। एक हुड जेट पर काम कर रहा है, मतलब 3-3 एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, और भारत भी 3 से 4 एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप बनाने लगा हुआ है। पर दोस्तों तुर्की भारत से पहले भारत के साथ काम शुरू किया था और भारत से पहले ख़त्म कर रहा है। दोस्तों इसको देखते हुए भारत को भी अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।